Hello, my name is Dr. Kuldeep Kumar. I am a pulmonologist in GNH Hospital Gurgaon. आज मैं आप लोगों के सामने पोल्यूशन के बारे में बताना चाहूंगा. पोल्यूशन पहले के एनवायरनमेंट में जैसे कि कभी भी पोल्यूशन कभी साफ रहता था, एटमॉस्फेयर साफ होता था, पोल्यूशन की कभी भी समस्या नहीं होती थी. आज के वातावरण में, आज के एटमॉस्फेयर में टोटली फर्स्ट हैजर्ड आजकल हर एक हॉट टॉपिक पोल्यूशन बना हुआ है. तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो जो सावधानियां हैं, जो जो आपको ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में आज आपको मैं बताना चाहूंगा. बेसिकली पोल्यूशन से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको बताना है. पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं और ओल्ड बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चों को बाहर ओपन पार्क में आज के एटमोस्फेयर के अंदर खेलने नहीं देना है. जो भी उनको खेलने देना है तो अंदर घर में खेलना है. दूसरी बात, जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं, वो जो भी हैं ओल्ड इंडिविजुअल्स को सुबह में शहर अलाउ नहीं है आज के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि सुबह के टाइम पे स्मोग नीचे होता है और उसमें सांस की समस्याएं ज्यादा रहती हैं. तो आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग वॉक करेंगे तो उसमें सांस की समस्याएं होने के रिस्क काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो आप पोल्यूटेंट्स और एटमॉस्फेयर से ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादा एक्सपोज रहते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आप बाहर पोल्यूशन में जाते हैं, कभी भी बाहर आप काम करने के लिए मार्केट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो एंटी पोल्यूशन मास्क यूज करना है. एंटी पोल्यूशन मास्क दो टाइप्स का आता है, एक N95 और एक N99. N95 जो कि डिस्पोजेबल मास्क होता है, वो काफी 99% पर्टिकुलेट मैटर जितने भी होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, उनको रोकथाम करता है. पर N95 काफी क्लोज्ड वे में आता है, इसलिए पेशेंट्स उसको टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि पसीना आने लग जाता है, क्लास्ट्रोफोबिक सा लगता है. तो इन दैट केस जिसको भी समस्या है N95 से हो, तो N99 यूज करना है. N99 काफी हैंडी मास्क होता है, जो कि ऑनलाइन और कभी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है. N99 वोग मास्क आता है, जिसको हैंडी होता है, यू कैन यूज कभी भी आप बाहर यूज करते हैं. और तीसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कभी भी बाहर एक्सपोज होते हैं, सांस की प्रॉब्लम कभी भी होता है, तो वो चाहे तो स्नीजिंग वगैरह, खांसी वगैरह या सांस की समस्या रिलेटेड कब भी ऐसा लगे कि आपको ज्यादा समस्याएं पहले जो नहीं होती थी और अभी ज्यादा होती हैं, तो तुरंत आपने चेस्ट फिजिशियन या किसी पर्सनल फिजिशियन को आपको दिखाना है, जिससे कि हम कई प्रकार की जांचें होती हैं, जिसमें ब्लड और पल्मोनरी और लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिससे कि हम पता चला सकते हैं इजिली कि आपको लंग्स की कोई समस्या तो नहीं हुई है एलर्जी की वजह से, जिसका इजी रोकथाम कर सकते हैं.